झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है लातेहार से। उपायुक्त बोले, नीति आयोग के मानकों को करे पूर्ण। उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करने के लिए समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने विभागवार नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों की समीक्षा की एवं पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानक है उसे 100% पूर्ण करें। उन्होंने कहा, अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें। बैठक की उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के कार्यों की जानकारी ली गई एवं नीति आयोग द्वारा निर्धारित विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करने, विद्यालय भवन में बिजली, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था करने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। कृषि विभाग की समीक्षा के बाद जिला कृषि पदाधिकारी को किसानों के खेतों को पटवन करने को लेकर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। खबर है रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दुष्कर्म के आरोप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। महाराष्ट्र के डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप मामले में संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि मुंबई के रहने वाली एक मॉडल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मॉडल ने मुख्यमंत्री के अलावा सुरेश नागरे नाम के एक अन्य व्यक्ति पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया है। यह खबर है हजारीबाग से। बड़का गांव में सातवें दिन भी हाथियों का आतंक जारी। एक व्यक्ति को रौंदा, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। हजारीबाग जिले अंतर्गत बड़का गांव वन क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हाथियों ने 7 दिनों से आतंक मचा रखा है। इससे ग्रामीणों की नींद हराम हो गई है। वहीं वन विभाग हाथी भगाने को लेकर भी परेशान है, फिर भी हाथी नहीं भाग रहे हैं। जंगलों से लौटकर हाथी दोबारा गाँव की ओर रात में हमला करने लगते हैं। इस दौरान हाथी ने एक ग्रामीण को रौंद कर मार डाला है। झारखंड में क्या कनकनी से लोगों की बढ़ेगी राहत? तो आइए जानते हैं मौसम विभाग के पूर्व अनुमान से। ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। तापमान में गिरावट से कनकनी और बढ़ेगी। मौसम विभाग विज्ञान के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। यह खबर है रांची से। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांगा। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगा दी है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रवि रंजन एवं SN प्रसाद की खंडपीठ ने हेमंत सोरेन सरकार को नोटिस जारी करने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी 2021 को मुकर्रर कर दी है। रांची दिल्ली की यात्रा होगी आसान, चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। तो आइए जानते हैं खबर को, क्या है पूरा खबर। रांची दिल्ली की यात्रा करना आसान होगा। लोगों की सुविधाओं को देखते हुए नई दिल्ली रांची स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेनें 18 दिसंबर से सोमवार एवं शुक्रवार को अगले आदेश तक चलेगी। इतना ही नहीं, लोकमान्य तिलक टर्मिनल रांची साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी 18 दिसंबर से हर शुक्रवार को अगले आदेश तक चलेगी। रांची लोहरदगा पैसेंजर का परिचालन भी जल्द शुरू होगा। रुक नहीं रहा है झारखंड में दुष्कर्म की वारदात। रांची में घर से ही अपहरण कर छात्रा के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। जगन्नाथपुर में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी 12 वर्षीय नाबालिग का घर से अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद सुबह 4 बजे छात्रा को अचेत अवस्था में छोड़कर भाग निकले। वह सुबह किसी तरह घर पहुंची और घटना की जानकारी माता पिता को दी। यह खबर है चतरा से। झारखंड की चतरा पुलिस को मिली सफलता। 14 लाख रुपए नगद समेत 1 किलो अफीम बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के चारू गांव स्थित तस्कर पिंटू दागी के घर से 14 लाख रुपए नगद व 1 किलो अफीम समेत 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन मास्टरमाइंड पिंटू दागी पुलिस को चकमा देकर फिर भागने में सफल रहा। रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक
परिषद की 27वीं बैठक विश्व भवन के समीप ऊंचे भवन के निर्माण पर रोक। यह खबर है रांची से। नए विधानसभा परिसर के आसपास ऊंचे भवन के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि विधानसभा परिषद के आसपास ऊंचे भवन का निर्माण नहीं करें। मंत्रीगण और वरीय अधिकारियों के लिए निर्मित होने वाले आवास में समरूपताएं रखें। सरकार ने जारी किया आदेश, पेरेंट्स की अनुमति से स्कूल आ सकेंगे 10वीं व 12वीं तक के स्टूडेंट। झारखंड के स्कूलों में 9 महीने से लटके ताले सोमवार से खुल जाएंगे। 10वीं व 12वीं तक के बच्चे स्कूल आ सकेंगे। सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक ऐसे स्कूल जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, वे 10वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सरकार की ओर से शर्त रखा गया है कि बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले स्कूल प्रबंधन को अभिभावकों की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश का भी पालन करना होगा। इस दौरान स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रखनी होगी। इसके साथ ही सभी स्कूल अभिभावकों की अनुमति से विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म भरने व रजिस्ट्रेशन के लिए भी छात्रों को स्कूल बुला सकते हैं। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड के अन्य दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से करना होगा। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। लाल सलाम पर भगवा भारी, केरल में 1182 ग्राम 320 नगर पालिका और 59 नगर निगम वार्डों में खिला कमल। केरल निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शिवाजी महाराज की जय। इस प्रदर्शन से निश्चित तौर पर भाजपा के हौसले बुलंद होंगे। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बुधवार को देर शाम मतगणना संपन्न हो गया। भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए केरल निकाय चुनाव में 1182 ग्राम पंचायत, 37 ब्लॉक पंचायत, 2 जिला पंचायत, 320 नगर पालिका और 59 नगर निगम वार्डों में जीत दर्ज की है। भाजपा की इस जीत से केरल के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की खुशी की लहर है। केरल वामपंथियों का गढ़ माना जाता है। यहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, हिंदू आबादी कम है। लाल सलाम का बोलबाला रहता था, लेकिन इस बार सलाम पर भगवा भारी पड़ गया। भूकंप का झटका, रात में कांपने लगी धरती। किस राज्य में आया भूकंप, झटकों के डर से लोगों की नींद उड़ी जानिए। भारत में इस साल प्राकृतिक आपदाओं का कहर जारी रहा। जब देश कोरोना वायरस जैसे भयानक महामारी से जूझ रहा था, तो चक्रवाती तूफान और भूकंप के झटके लोगों में दहशत को बढ़ा रहे थे। हालांकि घटना अभी टला नहीं है। इस साल भूकंप से झटकों से भारत में के अलग अलग क्षेत्र कई बार कांपे। लगातार आ रहे भूकंप से वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। अपने ही होते हैं दोगले। AMU ने PM मोदी को दिया आमंत्रण। आपस में गाली गलौज पर उतरे कट्टरपंथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को वीडियो लिंक के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ऑनलाइन समारोह में भाग लेंगे। यह पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किसी भी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। नई संसद की तरह हुबहू दिखता है ये मंदिर। औरंगजेब ने तोप से बरसाए थे गोले। मध्य प्रदेश की विदिशा के विजय मंदिर और भारत के नए संसद भवन की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। तस्वीर को देखकर कई यूजर्स भारत के नए संसद भवन को अमेरिका के पेंटागन की नकल बता रहे हैं, लेकिन इसका डिजाइन विदिशा के विजय मंदिर से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। स्वदेशी मिसाइल का अटैक, घर में घुस कर मारेगी पृथ्वी 2, चीन के लिए बनेगी कहर। चीन और पाकिस्तान के साथ
जारी गतिरोध के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने का काम तेजी के साथ कर रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ की ओर से लगातार विकसित हो रही मिसाइलों का परीक्षण जारी है। कल ओडिशा के बालासोर के तट से दो पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइलों का निरीक्षण किया गया। वहीं इसके पहले इसी महीने भारतीय वायुसेना ने 10 आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रोटेस्ट किसानों का हक लेकिन रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 22 दिनों से किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन जारी है। कल इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई हो रही है। बीते दिन अदालत ने मुद्दा सुलझाने के लिए जिस कमेटी के गठन की बात कही थी उस पर तस्वीर साफ हो सकती है। गृह मंत्रालय के फैसले से हिली ममता बनर्जी, बंगाल के 3 अफसर केंद्र में तैनात। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बीते दिनों हुए पथराव के बाद अब गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने फैसला लेते हुए मामले में लापरवाही के आरोप में बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों पर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते उन्हें केंद्र में तैनात कर दिया गया है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने आईपीएस कैडर रूल 6(1) के तहत यह कार्रवाई की है। हालांकि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में एक बार फिर से टकराव उभर सकता है। बंदर की अंतिम यात्रा, फूट फूट कर रोया पूरा गांव, बेटे की तरह दी अंतिम विदाई। इंसानों और जानवरों के बीच लगाव की कई कहानियां आपने सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सामने आई है। यहां एक बंदर की मौत पर पूरा गांव रोया। इतना ही नहीं, उसकी अंतिम यात्रा भी कुछ इस तरह निकाली गई, मानो गांव के किसी व्यक्ति का निधन हो गया है। शेख हसीना के साथ वर्चुअल मीटिंग में बोले पीएम मोदी, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ। भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस सम्मेलन के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद रेल लिंक का उद्घाटन हुआ। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वहीं शेख हसीना ने भारत के सहयोग की सराहना की। मेरठ में किसानों ने लगाए कृषि बिल के समर्थन में पोस्टर। नए कृषि कानून को लेकर जहां दिल्ली में पंजाब के कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं देश भर के किसान इसका समर्थन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सहकारी संगठन के बाद अब मेरठ के किसान भी नए कृषि कानून के समर्थन में आ गए हैं। मेरठ के किसानों का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए पिछले 6 साल में जितने काम किए वो पिछले 60 साल में कभी नहीं हुए। 5 करोड़ का गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा। 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला, सीधे खाते में मिलेगी सब्सिडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने गन्ना किसानों की सीधी मदद के लिए उसके खाते में सब्सिडी की राशि जमा कराने का फैसला लिया है। यह सब्सिडी 6,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से 60 लाख टन चीनी निर्यात की जाएगी। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति पर गंभीर आरोप, 2022 बीजिंग खेलों से जुड़ा है मामला। चीन में जातीय अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक गठजोड़ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर 2022 शीतकालीन खेलों की मेजबानी की तैयारी में जुटे बीजिंग में मानवाधिकार उल्लंघन की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। तिब्बतियों और अन्य समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे एक मानवाधिकार समूह ने आईओसी अध्यक्ष थॉमस सुवाक और आईओसी अध्यक्ष जुआन अंतोनियो समारांच जूनियर को लिखे पत्र में यह आरोप लगाया है। अब खबर खेल जगत से। रोमांटिक डिनर डेट पर गए हार्दिक पांड्या और नताशा स्टॉनविक, तस्वीरें हो रही है वायरल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को T20 सीरीज जिताने में हार्दिक पांड्या ने अहम भूमिका निभाई थी। टीम इंडिया अभी भी टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। वही हार्दिक पांड्या भारत वापस लौट गए हैं। अपने बेटे के जन्म के कुछ वक्त बाद ही हार्दिक को आईपीएल के लिए दुबई जाना पड़ा था, जिसके सीधे बाद ऑस्ट्रेलिया दौरा था।
ओडिशा सीएम पटनायक ने वन सेवा अधिकारी अभयकांत पाठक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए केंद्र से की सिफारिश। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र को पत्र लिखकर दागी भारत वन सेवा अधिकारी अभयकांत पाठक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सिफारिश की है। बिहार में पकड़े गए अफगानी, किए थे बड़े खुलासे, सुरक्षा एजेंसियों के हुए कान खड़े। बिहार के कटिहार जिले से खबर सामने आ रही है कि यहां पर बीते दिनों पकड़े गए सभी विदेशी नागरिक अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। इस संबंध में एटीएस और क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान उनसे कई सुराग भी हाथ लगे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंगलवार को पुलिस ने कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले से 5 विदेशी नागरिक को पकड़ा था, जिन्हें अफगानिस्तान का बताया जा रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।